उत्तराखंड में गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद लॉकडाउन 3 में जहां ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई रियायतें दी गई हैं, वहीं रेड जोन में शामिल किए गए हरिद्वार जिले को अभी पूर्व निर्धारित लॉकडाउन की पाबंदियों में रखा गया है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि हरिद्वार फिलहाल रेड जोन में है और गाइडलाइंस के अनुसार ही लोगों को रियायत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आगे समीक्षा के आधार पर ही हरिद्वार को रेड जोन से दूसरे जोन में लाने पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल ज्वालापुर क्षेत्र, भगवानपुर सहित कुल 4 मुख्य कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जहां पर किसी भी प्रकार की आवाजाही प्रतिबंधित है, जबकि कई कंटेनमेंट जोन को शिथिल किया जा चुका है। हरिद्वार जो है रेड जोन में है। फिलहाल रेड जोन के लिए MHA के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी किया है और उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ आदेश जारी किया है। उसके अनुसार शहरी इलाके में केवल स्टैंड अलोन शॉप्स, नेबरहुड शॉप्स ये खुलेंगे और मार्केट एरिया पूरा बंद रहेंगे, मॉल्स वगैरह बंद रहेंगे। वो टाइमिंग जो है 7 से 4 बजे तक खुले रहेंगे और ग्रामीण इलाके में केवल मॉल्स को छोड़ करके बाकी सारे मार्केट एरिया, समस्त प्रकार का दुकानें सभी जो है खुले रहेंगे, वो 7 से 4 बजे तक खुले रहेंगे। और इसमें जो है मदिरा का दुकान भी, जो प्रश्न आता है बार बार, इसमें ग्रामीण इलाके में समस्त प्रकार का जो है मदिरा का दुकान जो है खुला रहेंगे। और यहाँ पे शहरी इलाके में जहाँ पे ये मार्केट एरिया है उसको छोड़ करके अन्य इलाके में जो है उसका अलाउ किया जाता है। हरिद्वार में लागू आदेशों के बाद यहां सब रजिस्ट्रार कार्यालय में भी कामकाज नहीं हो पा रहा है। वकीलों का कहना है कि तहसील परिसर में भीड़ ज्यादा रहती है और वहां सामाजिक दूरी का पालन करना संभव नहीं है, इसलिए अभी यहां जमीनों की रजिस्ट्री का काम फिलहाल बंद है। तहसील एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना संभव ही नहीं है, क्योंकि जब कोई कार्यालय में रजिस्ट्री करना आता है तो नॉर्मल सी बात है 8-10 लोग साथ में आते हैं। चैम्बर 6x6 के हैं तो लोग कहाँ बैठेंगे, 1 फुट 1 मीटर की दूरी बनाना चाहें तो हम चाहकर भी दूरी नहीं बना सकते। तो हमारे सभी अधिवक्ता महोदय ने, हमारे अध्यक्ष जी ने और सचिव ने मिलकर के डिसाइड किया और बाकी दस्तावेज लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि जब सोशल डिस्टेंसिंग जो है हम कर ही नहीं सकते, तो इससे बढ़िया है कि जब तक लॉकडाउन ना खुले हम जो है तहसील के सभी कार्यों से पूर्णतः विरत रहेंगे, जिससे कि सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। आज से शुरू हुए लॉकडाउन 3 में उत्तराखंड के ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले जिलों में छूट मिलने के बाद बाजार और सड़कों पर रौनक दिखाई दी। राजधानी देहरादून में भी आज नजारा बदला दिखाई दिया। 50% बाजार खुलने से लोग खरीदारी करने बाजारों में दिखाई दिए। वहीं शराब की दुकानें खोले जाने पर कई जगहों पर भारी भीड़ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न के बराबर दिखाई दिया। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि लोग आज जरूरत का सामान खरीदने बड़ी संख्या में बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, 1 सप्ताह में पूरी स्थिति देखने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। आज 50% शॉप्स ओपन किए गए हैं और जो लॉकडाउन 3 है उसका आज पहला दिन है, तो बहुत सारी शॉप्स आज ओपन करी गई और काफ़ी दिनों बाद ओपन की गई हैं। तो आज लोग, क्योंकि बहुत सारे दिनों से उनके कई सारे इश्यूज होंगे, कुछ सामान टूटे होंगे या कुछ चीज़ें खराब हुई होंगी, तो उन सब की वजहों से लोग काफ़ी आज बाहर आए हैं। और बाकी 50% जो मार्केट है ट्रेड वाइज वो कल ओपन होगा। इसमें कई जगहों से एक ये बात आई है कि साहब कुछ ट्रेड्स हैं जो लिखे हुए नहीं हैं उसमें, तो उसके लिए पहले ही जो है ऑर्डर में लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसे ट्रेड हैं जो उसमें मेंशन नहीं है तो ऐसे ट्रेड्स को जो है वो संबंधित SDM को मेंशन कर सकते हैं, वो हमारे पास आएगी तो फिर उसके बाद उनके भी दिनों को असाइन कर दिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में आज से शराब की दुकानों के खुलने के बाद बड़ी संख्या में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही लोग शराब की खरीदारी के लिए लाइनों में लगे नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कई जगहों पर न होने पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे में कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है, सरकार को राजस्व से ज्यादा जनता की सेहत का ख्याल रखना होगा। सरकार को ये बात, इसका विचार करना चाहिए, या तो इनको ऐसे नियंत्रण, ऐसे मानक तय करें, ऐसा दिशा निर्देश तय करें। राजस्व अपनी जगह है लेकिन हमारी जनता का स्वास्थ्य सबसे बड़ा है। कोरोना यदि फैल गया तो राजस्व कहाँ से आएगा।
ग्रीन जोन में आने के बाद बागेश्वर जिले में लॉकडाउन 3 के पहले दिन केंद्र सरकार की गाइडलाइन का खासा असर देखने को मिला। क्षेत्र में कई दुकानों को तय समय के लिए खोला गया, जिससे सड़कों पर फिर से रौनक लौटती दिखाई दी। सुबह 7 बजे के बाद दुकानें खुलनी शुरू हुई तो धीरे धीरे जरूरतमंद लोग खरीदारी के लिए बाजार पहुंचे। साथ ही लोगों ने मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में भरपूर सहयोग भी किया। यहाँ 40 दिन के पश्चात यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं और ये आदेश बहुत ही हम लोगों को राहत भरा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक के लिए भी राहत भरा भरी खबर है, क्योंकि यहाँ पर लोग इस समय जो खरीदारी के लिए आ रहे हैं उनको जो है बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन लोग स्वतः भी कर रहे हैं और हम शॉपकीपर से भी कर रहे हैं। लॉकडाउन 3 के बाद सरकार ने जो छूट दी है, आज काफ़ी समय बाद हम लोगों ने भी अपनी दुकानें खोली हुई हैं और बाजार में भी काफ़ी चहल पहल है और सभी लोग और हम लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा और फिर उसी प्रकार से जनजीवन आदमी का चालू हो जाएगा। आज हार्डवेयर समेत निर्माण कार्यों से संबंधित दुकानें भी खोली गई तो दुकानदारों के साथ ही उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली। दुकानों के बाहर और भीतर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। हमारा हार्डवेयर का शॉप है और बहुत से पुरानी चीजें रुकी हुई थी, निर्माण कार्य रुके हुए थे लोगों के, वो लोग आ रहे हैं और अपना सामान वगैरह ले रहे हैं और हम इस चीज का क्या लग रहे हैं कि लोग अलग अलग खड़े रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जा रहा है। इसके साथ ही देहरादून से रोडवेज की कई बसों में सवार 100 से ज्यादा प्रवासियों को बागेश्वर लाया गया। यहां स्वास्थ्य विभाग ने सभी की स्क्रीनिंग कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसके बाद प्रशासन ने सभी को होम क्वारंटीन होने के निर्देश देकर घर भेजा। हमारे उत्तराखंड राज्य के जो विभिन्न जनपदों में लोग जो रोजगार यापन के लिए अन्य कार्यों से गए थे और लॉकडाउन की अवधि में वो रुक गए थे, तो वो उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहाँ के जिला प्रशासन द्वारा इनको रोडवेज बसों के माध्यम से यहाँ भिजवाया जा रहा है। आज सुबह 4 बजे से हमारे यहाँ देहरादून से 2 बसें आ गई हैं, एक में 35 लोग थे, एक में 24। तो 35 की जो पहले आ गए थे तो उनकी स्क्रीनिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हुई है और उनको वहीं हमारे पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा उनको नोटिस भी दिया जा रहा है।